माननीय अजीत जी ने, अभी मैं परसों वीडियो देख रहा था जिस बात की आप चर्चा कर रहे हो, जिस दिन पायलट साहब लेके निमरण जी घूम रहे थे तो एक वीडियो आपने देखा होगा, उसमें कहा अरे भाई मैंने देखा है शायद वो पहलवान भी है भाई, पैसे वाला भी है, अब भाई मैं तो उसे लड़ क्या सकूं, भाई तुम ही लड़ लो, मगर लड़ना तेरे को ही पड़ेगा, आने सामने मेरी बात। तो बात जिस बात आप कह रहे हो, मेरा लेके उसके साथ सचिन पायलट आए या कोई आए, यार तो तैयार खड़े आ जाए, ले आओ जितना कोई जान नहीं, कट्टम से चाहे जिसका मन करता हो खुला। मैंने कह दी दोनों भाई आते हो तुम आ जाओ, जो यू कहता हूँ मेरा मन करता हो, भाई मैं तैयार हूँ, जहाँ कहते रण में लड़ ले। और बताओ आज खुद इस बात को कह रहा है कि मेरे बस की नहीं है लड़ना, तो डोकरा जाके सो जा आराम से, सोए पड़े तू, आप बताओ ना, सो रहा आराम से। साथियों बेईमानी जीत के गए थे 316 वोट थे इसी टॉप से, मैंने बता दी 316 को 3 लाख तक बदला नहीं लिया ना तो मेरा नाम सुखबीर नहीं। अब आया है, मैं बताया ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया है चुनाव कैसे लड़े जा, अब पता नहीं चुनाव कैसे लड़े गए, सीधी सारी बात है। जहां तक बात आई मैंने प्रशासनिक बात, साथियों पहले भी बात हुई, आज मैं कह सकता हूं कि पिछली बार गणगौर की यात्रा बंद कर दी थी, आप सब साक्षी हैं, मैंने कहा अगर मेरे होते हुए गणगौर की यात्रा बंद होगी ना तो छोड़ के चला जाऊंगा, धिक्कार है मेरा जीना, अगर हिंदू का त्यौहार नहीं मनवाया था और गणगौर की यात्रा निकली आप सब जाऊंगा। अभी मैंने उसे कहा था एसपी साहब हमारी रामनवमी की यात्रा निकलेगी, उन्होंने कहा अगर रेगुलर निकलती होगी तो मैं निकलवा दूंगा, और हमने कहा उस रामनवमी यात्रा में आपने माधोपुर में वीडियो देखा होगा जिस जोश और उल्लास से निकली, भयंकर हनुमान जयंती निकाली। और साथियों मैं बताया चुनाव का समय था, हम सब ये कहने लगे कह रहे इस टाइम इशू बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूँ अगर कोई मेरे होते हुए भी अगर कोई हिंदू त्यौहार नहीं मना तो मेरा सांसद बनने का कोई फायदा नहीं है, मैं अभी कह रहा हूँ साथियों, भरी सभा के बीच में कोई दोहरा नहीं, यार का जहाँ जरूरत हो। आप लोगों ने कहा गणेश जी कह रहे थे खून पसीने बहा के, भाई खून बहाने की जरूरत तो है नहीं, खून बहाने की जरूरत पड़ेगी मैं दे दूंगा, बाकी सिर्फ और सिर्फ 29 तारीख को पसीने बहा दो, 1 घंटे धूम में खड़े रहने पड़े ना तो खड़े हो जाओगे धूम में, बगैर पानी के हो जाओगे। तो साथियों एक बार बता दूं तो जाके भाषण देते हैं, 10 दिन में राहुल गांधी माफ कर दिया, सोसाइटी माफ कर दी, 3500 रुपए वेतन भत्ता दे दिया, भाई मिला किसी को, मिला किसी को, यहाँ तक नौबत और आ गई, रोज मंदिर के ताले टूट रहे हैं, रोज चोरियां हो रही है, लाइट की डीपीआर उतर रही है, लाइट नहीं आ रही। जिस दिन साथियों हम एमपी और एमएलए बने थे हम सबके सामने ये सामने यही सेम पोजिशन थी, लेकिन पूरे 5 साल आपको कभी महसूस नहीं होने दिया लाइट जाती कहाँ है, पूरे 5 साल कभी किसी की वीसीआर नहीं बने दी, कभी किसी दिक्कत नहीं हुई, पूरी टॉक के अंडरग्राउंड लाइन जिले के अंदर में 200 करोड़ रुपए खर्च करे, जो हमारे एससी के भाई थे मुफ्त बीपीएल कनेक्शन देगा ना, कोई आज है नहीं जिनको नहीं दिया हो। साथियों मैं सबके साक्षी बता दूं, आपके सामने स्टेडियम था, स्टेडियम की ये हालत थी, शाम को लोटे वाले बैठते थे उसमें जाके, आप जानते हो सारे, आज आपके सामने है सब कुछ अपने पल्ले किया।